आसे घर दुर्गा नहीं हो तो सुन्नत होती सारों की। कवि राम जाट की लिखी यह दो पंक्तियां यानी वीर दुर्गादास राठौड़ के समग्र जीवन संघर्षों का सार। एक ऐसा व्यक्तित्व कूटनीति और राजपूती शौर्य से परिपूर्ण और उतना ही चरित्रवान। निरंतर संघर्षों के बाद अपने ही द्वारा बनाए गए राजा के द्वारा देश निकाला दिए जाने पर पद सत्ता सामर्थ्य अपने अधिकार में होने के बावजूद वह निस्वार्थ राष्ट्रभक्त मातृभूमि रक्षा हेतु वहां से चला गया। सालवा गांव राजस्थान, वर्ष 1638, 13 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का पवित्र दिन यानी मारवाड़ के पराक्रमी वीर दुर्गादास का जन्मदिन। पिता आसकरण जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दरबार में कार्यरत थे। लुणावा गांव में रहते हुए साहसी और अनुशासन प्रिय माता नेत कंवर ने दुर्गादास में भी ऐसे ही संस्कारों का सिंचन किया। दुर्गादास के निडर और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के उनके स्वभाव की एक झलक की कथा प्रचलित है। लगभग 15 वर्ष की आयु में जब गांव में वे अपने खेतों में काम कर रहे थे तब अचानक से कुछ राजसी ऊँटों को चराते हुए कुछ राई की दुर्गादास के खेत में घुसकर फसल तहस नहस करने लगे। चरवाहों ने दुर्गादास के विरोध को भी अनदेखा कर दिया और चरवाहों के ऐसे प्रतिभाव से दुर्गादास का लहू खौल उठा और अपनी कटार निकाल ऊँट की गर्दन उड़ा दी। इसकी खबर मिलने पर जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दुर्गादास को दरबार में उपस्थित हो ऐसा करने का कारण पूछा। तब बालक दुर्गादास एक राजा के सामने निडर हो बोले कि वह किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर सकते और सामान्य लोगों के खेतों की फसल को बचाकर राज्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि ही हुई है। एक बालक के ऐसे निर्भीक और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के ऐसे गुणों से राजा अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने दुर्गादास को अपनी सेना में स्थान दिया और दुर्गादास भी जसवंत सिंह के विश्वस्त में से एक बने। उस समय जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ संधि कर उसकी सेना के प्रधान सेनापति बने थे। यह संधि कोई पद के लिए नहीं परंतु उनका मंतव्य था कि औरंगजेब के दरबार में रहकर वे हिंदुओं के हितों की रक्षा कर पाएंगे और औरंगजेब की हिंदू विरोधी द्वेषपूर्ण प्रवृत्तियों पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा। परंतु इस संधि के पीछे औरंगजेब की आंखें जोधपुर की ओर ही थी और उसके लिए उसने राजवंश का ही नाश करने के कई तरीके अपनाए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अजमेर के युद्ध में जसवंत सिंह के एक पुत्र पृथ्वी सिंह के शौर्य को देख औरंगजेब को जोधपुर को हत्याना कठिन लगने लगा, इसीलिए उसने युद्ध में पृथ्वी सिंह की वीरता को सम्मान देने की आड़ में एक विषाक्त परिधान भेंट स्वरूप दे उसे पहनाया। विष ने अपना कार्य किया और पृथ्वी सिंह का निधन हुआ। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल अफगानिस्तान के अत्यंत कठिन मोर्चे पर युद्ध करने के लिए भेजा। युद्ध में तो सफलता मिली परंतु कुछ समय बाद उनका देहांत हुआ। अब औरंगजेब को जोधपुर पर अधिकार करने का मौका मिला और उसने इंद्र सिंह को अपना सरदार बनाकर वहां रखा। अनेकों अत्याचारों के उपरांत जोधपुर को अपने अधिकार में घोषित कर हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया। उस ओर राजा जसवंत सिंह की दो रानियां गर्भवती थी, दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, एक दलथम्पन और दूसरा अजीत सिंह। और कुछ समय बाद दुर्गादास और अन्य राजपूतों के रक्षण में दोनों रानियां अपने पुत्रों के साथ जोधपुर पर अपना अधिकार का अनुरोध करने के उद्देश्य से दिल्ली औरंगजेब के दरबार जाने के लिए निकले, परंतु रास्ते में ही दलथम्पन की मृत्यु हो गई। अब दुर्गादास जोधपुर के स्वाभाविक अधिकारी के रूप में अजीत सिंह के ही होने का प्रस्ताव ले औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, परंतु कुटिल औरंगजेब ने कहा कि अजीत सिंह उसके मित्र जसवंत सिंह के पुत्र होने के कारण वह शाही देखरेख में रहेगा और बालिग हो जाने पर उसे जोधपुर की गद्दी सौंप दी जाएगी। दुर्गादास को भी एक बड़ी जागीर देने का प्रलोभन दिया। दुर्गादास औरंगजेब की जोधपुर के अंतिम उत्तराधिकारी को भी मारकर जोधपुर हथियाने की कुटिल नीति भांप गए थे। उन्होंने परिस्थिति को संभाल औरंगजेब से ऐसा कहकर समय मांग लिया कि इस विषय पर रानियों के साथ मंत्रणा करके ही निर्णय लिया जा सकता है। यह खुले युद्ध का समय नहीं था, अब वे औरंगजेब की नजर बंद थे। दुर्गादास ने अत्यंत सावधानी पूर्वक दिल्ली से पलायन करने की योजना बनाई। देश और धर्म के लिए कोरा नाम की एक स्त्री ने अपने पुत्र को अजीत सिंह के स्थान पर रख बलिदान दिया। दुर्गादास और उनके साथ लगभग 300 राजपूत अजीत सिंह को छुपाते हुए किले से पलायन करने में समर्थ रहे।
इस बात की जानकारी मिलने पर मुगल सेना ने उनका पीछा किया और तब 15-20 राजपूत वहीं उनसे युद्ध के लिए रुक जाते और बाकी के राजपूत आगे बढ़ते और ऐसा करते करते उन वीर राजपूतों ने स्वयं का बलिदान दिया। परंतु अजीत सिंह को लिए जा रही राजपूत टुकड़ी के बीच अंतर बनाए रखने में सक्षम रहे और जब दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर बालुंदा पहुंचे तब 300 में से मात्र 7 राजपूत वीर ही जीवित रहे थे। दुर्गादास ने अजीत सिंह को सिरोही जिले के कालिंदी गांव के जयदेव पुरोहित के घर पर उनकी पहचान छिपा गुप्त रूप से वर्षों तक रखा। मुगलों के भीषण अत्याचारों और यातनाओं के नीचे दबा हुआ, नेतृत्व और मार्गदर्शन के अभाव में विचलित, दिशाहीन, निराशावादी बन चुके समाज में आशा, विश्वास और सामर्थ्य का संचार कर लोगों को अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए जागरूक कर दुर्गादास ने अपनी एक सेना का निर्माण किया। उस ओर फौलाद खान अजीत सिंह की खोज में दुर्गादास को पकड़ने के लिए आ पहुंचा। 2000 मुगल सैनिक और 200 राजपूत वीरों के साथ युद्ध हुआ, परंतु अजीत सिंह तो ना मिला। युद्ध अचेत हुए दुर्गादास जब घायल अवस्था में उठे तब उन्होंने रानिया तथा अपने कुछ साथियों को खो दिया था और वह वीर उनका विधिवत अंतिम संस्कार कर मातृभूमि की रक्षा का एकमात्र लक्ष्य माथे लिए कल्याणगढ़ की ओर आगे बढ़ अपनी माँ के घर पहुंचे। वहाँ भी मुगल सैन्य अधिकारी शमशेर ने दुर्गादास को पकड़ने के लिए पीछा किया और उनके घर को घेर लिया। माँ ने उन्हें अंधेरे कुएं में छिपा दिया था, परंतु दुर्गादास न मिलने पर क्रोध में शमशेर ने दुर्गादास की माँ पर अनपेक्षित प्रहार कर मार दिया और दुर्गादास ने इस घिनौने कार्य का प्रतिशोध 150 राजपूतों के साथ कटालिया पहुँच शमशेर के घर को घेर उसका वध करके लिया। औरंगजेब ने अब दुर्गादास को जीवित या मृत पकड़ने के आदेश दे दिए थे। बाहर निकलने के सारे मार्ग बंद हो चुके थे। तब अरावली की पहाड़ियों पर अपने साथियों के साथ वह मुगलों से छापा मार युद्ध नीति से वर्षों तक लड़ते रहे। वहां शस्त्रों की भी भारी कमी हो गई थी, फिर भी उन्होंने भीषण संघर्ष चालू रखा और कई राजपूत सरदार भी उनके साथ उत्साह से जुड़ने लगे। सेना संगठित हो रही थी, परंतु इस बीच देसुरी किले के इनायत खान ने कुछ राजपूतों को बंदी बनाकर मरवा दिया। दुर्गादास को पता चलने पर उन्होंने आक्रमण किया और देसुरी के किले पर भी विजय पताका फहराई। दुर्गादास ने अपनी कुशल कूटनीति का परिचय दे औरंगजेब के बेटे अकबर को अपने ही पिता से विद्रोह करने के लिए उकसाया और मुगल ताकत को विभाजित किया, परंतु संघर्ष अभी शेष था। अब अपने कुछ सैनिकों को देसुरी किले की जिम्मेदारी सौंप दुर्गादास अपनी 20,000 की फौज को एकत्रित कर मुगलों का शक्तिशाली केंद्र जोधपुर पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। उदयपुर के राजकुमार डाई सिंह 40,000 की सेना के साथ उनसे जुड़े, अन्य रजवाड़े भी उनके साथ आए। विभिन्न क्षेत्रों से सेना एकत्रित हुई, सामान्य जन भी मातृभूमि रक्षा के लिए जुड़ने लगा। राजपूत धर्म के लिए एक हुए। अब तो भगवा लहराना निश्चित हो गया था। औरंगजेब ने लगभग 2.5 लाख की सेना के साथ जोधपुर पर धावा बोल दिया। मुगलों और वीर राजपूतों के बीच भयानक युद्ध हुआ, महासंग्राम हुआ और राजपूतों की धर्म परायणता के आगे मुगल परास्त हुए। औरंगजेब भाग निकला और माँ भारती के इतिहास की गौरव गाथा में एक और पन्ना जुड़ा जिसमें दुर्गादास महानायक थे। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई और इस समय का लाभ उठा दुर्गादास ने 20 मार्च 1707 को अजीत सिंह का राज तिलक करवाया, जोधपुर पर भगवा लहराया। दुर्गादास का जीवन उद्देश्य पूर्ण हुआ, परंतु ईर्ष्या की आग में जलने वाले अजीत सिंह ने अपने निकटस्थ लोगों की बातों में आ उसको ही राजा बनाने के लिए वर्षों तक निरंतर संघर्ष में अपने परिवार का भी बलिदान देने वाले दुर्गादास को अजीत सिंह ने देश निकाला दिया। शौर्य, साहस और सामर्थ्य होने के बावजूद भी दुर्गादास ने अजीत सिंह के आदेश का स्वीकार किया। कैसा निस्वार्थ राष्ट्र प्रेम! दुर्गादास ने मेवाड़ में आश्रय लिया। वहां कुछ समय व्यतीत करने के बाद वे प्रभु भक्ति में विरक्त हुए और अंतिम समय में उज्जैन में महाकाल के पास
क्षिप्रा नदी के किनारे अपने प्राण त्याग दिए। दुर्गादास राठौड़, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मातृभूमि तथा धर्म रक्षा के लिए अनेकों वर्षों से निरंतर युद्ध तपस्या करते, निस्वार्थ त्याग का पर्याय कर्मवीर हमारे पूर्वज, जिनकी वजह से ही आज हमारी संस्कृति पर हम गर्व कर पा रहे हैं। आज ऐसे वीर के स्मरणों में एक छोटे से स्मारक का निर्माण, कुछ सिक्कों तथा डाक टिकट का छापा जाना क्या पर्याप्त है?